नमस्ते बच्चों, आज हम बात करते हैं संख्याओं की। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं का बनना, संख्याएं बनती कैसे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, हम सभी जानते हैं, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है नौ। अगर हम नौ में एक जोड़ दे तो हमें मिल जाएगी दो अंक की सबसे छोटी संख्या। आइए देखते हैं, नौ प्लस एक बराबर दस, तो हमें मिल गई दो अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दो अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99, जिसमें दो अंक है, नौ और नौ दो बार। इसमें अगर हम एक जोड़ दें, सिर्फ हमें एक जोड़ना है, तो हमें एक संख्या और मिल जाएगी 100। ये होगी 100 तीन अंक की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसी तरह से तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। अगर हम 999 में एक जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000, जिसमें कितने अंक है? एक, दो, तीन, चार अंक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी चार अंक की सबसे छोटी संख्या। जब हम बात करते हैं चार अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए, तो हमारे पास होगा 9999 चार बार। इसको हम पढ़ेंगे 9999। अगर हम 9999 में एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10000। ये हमारे पास हो जाएगी पांच अंक की सबसे छोटी संख्या। अब पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या भी हमें क्या करना होगा? 99 हमें पांच बार लिखने होंगे, तो ये हमें संख्या मिल जाएगी 99999। तो बच्चों आपने देखा कि एक बदलने से, एक जोड़ने से नौ में हमें दो अंक की संख्या मिल जाती है, दो अंक की संख्या में एक जोड़ने से हमें तीन अंक की संख्या मिल जाती है, और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमें एक जोड़ने पर चार अंक की संख्या मिल जाती है। इसी तरह से गिनतियां आगे चलती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगली बार में अंकित मान और स्थानीय मान की।